आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। हालांकि 12 घंटे से भी अब कम का समय बचा है, लेकिन इन सब के बीच में अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। आज का दिन वो ऐतिहासिक दिन है जिसका इंतजार किया जा रहा था। इन सब के बीच में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उनका ट्वीट भी आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा। दरअसल उनकी तरफ से ट्वीट में लिखा गया, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर आज हो रही प्रभु श्री राम लल्ला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पीढ़ियों का संघर्ष और सदियों का संकल्प पूर्ण हुआ। इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मालीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मालीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। साथ ही उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असंख्य राम भक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। संपूर्ण देश आस्था और भक्ति के सागर में डूबकर राममय हो गया है। ये देखिए, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर आज हो रही प्रभु श्री राम लल्ला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपको बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा से पीढ़ियों का संघर्ष और सदियों का संकल्प आखिरकार पूर्ण। इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी, उनको याद करते हुए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा, राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट जो है किया गया। लेकिन देखिए, आज अयोध्या जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे। सालों से इंतजार किया जा रहा था और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए राम मंदिर के कपाट जो है खुल चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 10 से 10:30 के बीच जो है प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 12:05 का वो समय है, वो शुभ मुहूर्त है जब प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी। करीबन 55 तक प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। संभवतः अकल्पनीय था मंत्राजु दास जी। ये जब आप बोलते हो ना तो आंखें भड़ाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए वो दिन देखा है, अगर नाम लेना होता था तो लोग दुदकारते थे, अरे चलो चलो हटो फालतू में, ये सांप्रदायिक ताकत वाले लोग हैं, ये सांप्रदायिकता की बढ़ावा देते हैं। ये ऐसे थोड़ी ना होता है, देश में कत्लेआम हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे। राम मंदिर की बात करते हो, अरे आज देखिए आज जैसे राम का नाम लेते लोग चरण छूने लगते हैं, लंबा लेट जाते हैं। अरे महाराज, वो मैं बोलूंगा तो मंजी कहोगे ग्रहजदारी, जब देखो तो उस मैं पीड़ा बताता हूँ, जो वो दिन वो पल वो क्षण, अरे राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, वो चीतकार। देखिए मैं राजू दास जी के साथ पिछले 4-5 दिनों से हूँ, इनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये हर राम भक्त की पीड़ा है। मंदिर जाने को सांप्रदायिक बता दिया जाता है, प्रभु राम की बात करने को क्या बता दिया जाता है, और अयोध्या की बात करने को राजनीतिक मुद्दा सांप्रदायिक बता दिया जाता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा जी राजू दास। नहीं नहीं, इतनी कठिन कि आपने बात किया तो आंखें भड़ाई। वो दिन जब हम लोग बोलते थे तो लोग चिल्लाते थे हम लोग को, ऊपर की बात करते हो, ऐसे बोलते थे कि लगता था कि हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं। ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते थे कि रोना आता था और हम लोग रोना पड़ता था। अब क्यों रो रहे हैं राजू दास जी, अब क्यों आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? आप अमन जी नहीं समझोगे, आप मीडिया के हो, आपने कहा कि राजू दास जी कैसा बीता, जब ये शायद पहली बार होगा आपकी आंखों में आंसू देखे। पहली बार बाप मर गया तो रोया ही नहीं, क्या बात करते हो।